imaginary. अब मैं बनाने जा रही हूँ KFC स्टाइल चिकन हॉट शॉट। तो मैंने सबसे पहले चिकन को ऐसे क्यूब्स में काट लिया है, ना बहुत छोटे क्यूब्स हैं ना बहुत बड़े हैं। और इसमें बहुत ही कम मसाले डालेंगे, ये है काली मिर्चें, ये एक चम्मच, थोड़ा सा नमक, और इसके बीच में मैं डालूंगी नेशनल का तिक्का मसाला, ये भी मैं एक चम्मच डालूंगी। और इसमें ये सोया सॉस और विनेगर, ये भी थोड़ा थोड़ा इसके बीच में शामिल कर दूंगी। ये मैंने एक चम्मच के बराबर डाला है, सिरका थोड़ा सा कम डाला है और सोया सॉस एक चम्मच के बराबर डाला है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। और अब इसके बीच में मैं एक अदद अंडा शामिल कर रही हूँ। अंडे को पहले सेपरेट बाउल में डाल के हम इसको फेंट लेंगे। मैं इसको इसके बीच में शामिल कर दूंगी और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सेम टू सेम KFC के स्टाइल का बनता है। और मुझे रिव्यूज़ ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में कि आपने बनाई और कैसी बनी। और अगर आप मज़ीद इस किस्म की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस ज़रूर बनाऊंगी। और मैंने इसको मैरिनेट कर दिया है, इसको मैं 1 आवर के लिए फ्रिज में रख दूँगी, फिर उसके बाद इसको हम डीप फ्राई कर लेंगे। ये है वो मैरिनेट हुआ हुआ चिकन जिसको हमने 1 घंटे पहले मैरिनेट किया था। ये एक अदद अंडा चाहिए इसकी कोटिंग के लिए, ये थोड़ा सा मैदा है, इसके बीच में मैं ये थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक शामिल कर दूंगी और इसको मिक्स कर लेंगे। और ये हैं ब्रेड क्रम्स, तो अब अंडे को भी तोड़ लेते हैं। इसको पहले हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। अब ये एक चिकन का पीस लेंगे, इसको डिप करेंगे अंडे में, फिर इसको हम डिप करेंगे मैदे में, कोट करेंगे और इसको जोर जोर से प्रेस करेंगे। फिर इसको अगेन हम अंडे में कोट करेंगे। और फिर इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर लेंगे। और इसको प्रेस कर देंगे ताकि इसके साथ ये चिपक जाए। और ये रहा रेडी। अब ऐसे ही सेम प्रोसेस दूसरे के साथ करना है। पहले अंडे में डिप करेंगे, फिर मैदे में कोट करेंगे, फिर अगेन अंडे में डिप करेंगे और फिर इसको ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। अब ऐसे ही मैं मज़ीद सारे करती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। Imaginary picture.
देखिए लीजिए जनाब, ये हॉट शॉट रेडी हैं फ्राई होने के लिए। उसके लिए मैंने फ्राई पैन में ऑयल डाल दिया है और इसको मीडियम आंच पे गर्म होने के लिए रख दिया। अब मैं ऑयल को चेक कर लूँगी, वो गर्म है। उसके लिए पहले मैं छोटा सा पीस डाल के देखूँगी। तो ये ऑयल रेडी है, अब मैं वन बाय वन इसमें पीसेस डालती जाऊँगी और थोड़े थोड़े गैप के साथ डालूँगी। और आंच को आपने ऐसे ही हल्की आंच रखनी है, आंच आपने तेज़ नहीं करनी। अगर आप आंच तेज़ कर देंगे तो ये ऊपर से गोल्डन डार्क हो जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। और आप इसको थोड़ी थोड़ी देर बाद इसकी साइड्स चेंज करते जाएंगे ताकि ये दोनों साइड से अच्छी तरह से पक जाए। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये सेम टू सेम KFC के स्टाइल के बनते हैं। अब मैं साथ साथ इसकी साइड्स भी चेंज करती जाऊंगी ताकि दोनों साइड से इसका इक्वल कलर आ जाए, वरना ये एक साइड से पक जाएंगे और दूसरी साइड से थोड़े से कच्चे भी रह सकते हैं। तो ये अब बिल्कुल रेडी हैं। इसको इससे ज़्यादा डार्क कलर हमने इसका नहीं करना, वरना ये ब्रेड क्रम्स जल जाएंगे। तो ये लीजिए जनाब, चिकन हॉट शॉट रेडी हैं और अब हम इसको डिश आउट कर लेंगे। एक प्लेट पे पहले मैंने इसमें टिश्यू डाल दिया है और उसके ऊपर इन पीसीस को मैं रख दूंगी ताकि जितना एक्स्ट्रा ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले। और अब मैं बाकी के जितने हॉट शॉट रह गए हैं उनको फ्राई कर लूंगी। और अगेन हम आंच को बहुत आहिस्ता रखेंगे, आंच बिल्कुल भी आपने तेज़ नहीं करनी, इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। और इसकी भी ऐसे ही हम साइड्स चेंज करते जाएंगे ताकि दोनों तरफ इक्वल कलर आ जाए। और आज मैं सोच रही हूँ कि आज अपनी ये रेसिपी मैं जब बनाऊँगी तो इसका मैं रिव्यू भी अपनी फैमिली मेम्बर में से किसी का ले लेती हूँ और वो भी रिकॉर्ड करती हूँ और वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। तो उसके लिए मेरे माइंड में ज़िशान आया है कि मैं उनसे लेती हूँ रिव्यू। तो ये रही फाइनल लुक, KFC स्टाइल चिकन हॉट शॉट रेडी है। इस रेसिपी को आपने ज़रूर ट्राई करना है। चलिए आप ये टेस्ट करके बताएं कैसी बनी है। नया जाओ तुम भी टेस्ट करो। बना ना एकदम KFC के स्टाइल का। थैंक यू। तो ये रही आज की रेसिपी, उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस किस्म की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।